फरवरी 2016 को जिस दिन मैंने बजट पेश किया था और अपने वक्तव्य में कहा था कि अगले साल 2016-17 की हमारी राज योजना, जो कह रहे थे कि सुशासन का कार्यक्रम था और उसको खत्म कर दिया, और ये उसी में लिखा हुआ उस पुस्तक में कि अगले साल 2016-17 की हमारी राज योजना सुशासन के कार्यक्रम, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय सम्मिलित हैं, पर फोकस्ड है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 7 निश्चय कार्यक्रम अगले 5 वर्षों में पूरे किए जाएंगे, ना कि 25 वर्षों में। और अगले 5 वर्षों में ठीक उसी तरह से पूरे किए जाएंगे जैसा कि इस सरकार ने पूर्व में अपने आचरण, व्यवहार और अनुपालन कराकर जनता के समक्ष अपनी छवि बनाई। यही तो मैंने कहा था वित्त मंत्री जी, मैंने यही आपसे कहा था। आपने जो कहा अभी कि जो आपके 7 निश्चय हैं वैसे ही पूरे किए जाएंगे जैसे आपकी सरकार ने पिछले 5 वर्ष में पूरे किए, मैंने इसी का हवाला दिया कि आपके जो सुशासन के कार्यक्रम 2010-15 थे उनका अनुपालन कितना हुआ, आपने आकलन किया क्या? मैंने उदाहरण दिया आपको, सड़क के बारे में, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, ये सारे काम आप नहीं कर पाए 5 साल में, तो आपने एक नया तोप छोड़ दिया 7 निश्चय का, उन्हीं बातों को अगले 5 साल में करने का आपने निर्णय लिया, इस पर तो कोई बोली नहीं आप। ठीक है नंद किशोर जी, अभी आ रहे हैं। कुछ निश्चय तो पूरे कर दिए गए, कुछ निश्चय तो पूरे कर दिए गए महोदय। जैसे महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने से संबंधित को पूरा कर दिया गया है और यह लागू है हर प्रकार की सरकारी नौकरियों में, हर कोटि के में जो भी महिला उम्मीदवार होंगे उनको 35% आरक्षण की सुविधा मिल रही है और मिलने जा रही महोदय। यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों में, अच्छा नहीं वो तो आप जब रहते थे ना तो आपका, यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा वर्ष 2016-17 में उपलब्ध करा दी जाएगी। राज्य के सभी घरों में बिजली कनेक्शन भी अगले 2 वर्षों में उपलब्ध कराने के लिए हमारी वचनबद्धता है और इस दिशा में विपक्ष के नाते नहीं, एक आदर्श नागरिक होने के नाते अपने कलेजे पर हाथ रख के माननीय सदस्य यह निर्णय लें कि देहातों में बिजली में कार्य हो रहे हैं या नहीं। अच्छा हाँ नहीं हो रहा। अच्छा 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 अबाउट अबाउट जहां तक ठीक, आप शांत रहिए। रविंदर जी आपके यहाँ नहीं हो रहा तो करा देंगे, आप क्यों गलत बोल रहे हैं, बैठ जाइए। सर 5-5 लाख रुपया बिजली बिल बोल दीजिए। जहाँ तक अन्य निश्चयों का सवाल है सर, बिजली बिल के बारे में बोल दीजिए ना। आप बोल रहे हैं अभी बिजली लगाने का, बिजली बिल पे आ गए। जहाँ तक अन्य निश्चयों का प्रश्न है उन पर भी अप्रैल 2016 से कार्य आरंभ किए जा रहे हैं और निर्धारित समय के अंदर उन निश्चयों को पूरा करने की हमारी वचनबद्धता है। एक बात सिद्दीकी साहब जानते हैं कि नहीं, गाना तो आप सुना होगा पुराना, झूठ बोले कौवा काटे, मेरी चिंता है कौवा ने काट लिया, आपको ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है ठीक। अच्छा अब वो तो सारा देश जान रहा है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं। राज्य के सुशासन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए
हमें संसाधनों की आवश्यकता है। हमने राज्य के अपने करों में वृद्धि लाने के लिए कदम उठाए एवं इसमें हमें अच्छी प्रगति भी प्राप्त हुई है, किंतु बिहार राज्य को केंद्र सरकार से जो करों का हिस्सा प्राप्त होता है उसमें कटौती की जा रही है। ये आपको बुरा लगा था और अब आपने कहा कि साहब आप बजट के जरिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। हम या आप यहां हैं तो हमारा ध्येय है बिहार का हित, और बिहार के हित में ही कल वहां मैं था, यहां आप थे और सब लोगों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, शायद याद है नंद किशोर जी क्या बोली है? नहीं, अगर याद नहीं है तो याद दिला दो। बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा सबों ने। हमारे बिहार के लोगों में और दक्षिण भारत के लोगों में यही फर्क है, वो लड़ते हैं अपनी राजनीतिक लड़ाई मगर राज्य के हित पर नहीं। कावरी का विवाद हो तो जो कर्नाटक का स्टैंड है, चाहे जो भी सरकार आए वो स्टैंड लेती है, उसी तरह तमिलनाडु में चाहे जो आए, करुणानिधि जी आए, जयललिता।